हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, जो कि आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस ऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट कंपनी का पेश हुआ है, साथ में कंपनी की ओर से ₹2 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी यहाँ पे रिकमेंड किया गया, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। और यहाँ पे इसका रिकॉर्ड डेट भी जो है सो फिक्स हो गया है, 29 जुलाई 2023 जो है यहाँ पे रिकॉर्ड डेट रखा गया इसके डिविडेंड के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पे। तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे फिनेंशियल रिजल्ट्स में, लैक्स में नंबर्स दिए गए। ये वाली क्वार्टर एंडेड का, ये फिनेंशियल ईयर एंडेड का रिजल्ट्स हम लोग क्वार्टर एंडेड को कवर करेंगे। इनकम 85 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 88 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 88.8 करोड़ का इनकम था। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 82.9 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 86.9 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 82.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। यहाँ पे एक्सपेंसेस भी देखिएगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा डाउन होती हुई नजर आई है, जिसके बाद कंपनी का प्रॉफिट में थोड़ी सी तेज़ी आई, लेकिन ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस यहाँ पर इंक्रीज़ किया जबकि इनकम में गिरावट आए। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया है 2.1 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1.3 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 6.4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो तेज़ी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। अगर हम लोग यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट देखें तो 1.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1.3 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर 4.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेजी है, ईयर ऑन ईयर में डाउन है। यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे इनकम तो गिरावट आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट्स में तेजी आया, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है गाइस यहाँ पे एक्सपेंसेस, जो कि एक्सपेंसेस कम हुआ है इसकी वजह से प्रॉफिट्स में तेजी आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ इसकी वजह से प्रॉफिट्स में गिरावट आई और इनकम में भी गिरावट आया है। अगर हम EPS की बात करें 0.81 रुपीज़ का है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो ग्रोथ है, बट ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट पेश हुआ है इस एवरेज है, क्योंकि कंपनी का इनकम लगातार गिरावट आई है, बट यहाँ पे एक्सपेंस कम होने के कारण प्रॉफिट्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेजी आई, अदरवाइज कंपनी बहुत ही खराब रिजल्ट पेश किया है। अगर हम लोग फिनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पर 355 करोड़ का इनकम है, पिछले साल 309 करोड़ का इनकम था, जो कि इनकम में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 342 करोड़ का है, जबकि पिछले साल 288 करोड़ का था, जो कि यहाँ पर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, इसके बाद प्रॉफिट्स में गिरावट आई, जो कि इस बार का प्रॉफिट निकल के आया है 9.5 करोड़ का, पिछले साल 15 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरावट है क्योंकि कंपनी का एक्सपेंसेस इंक्रीज किया है। EPS 5.11 रुपीज़ का, पिछले साल से बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी का जो रिजल्ट आया गाइस बहुत ही वीक रिजल्ट देखने को मिला है। अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि यहाँ पे बहुत ही वीक देखने को मिला है। तो अब हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।